So guys, we have this article from Indian Express, X-ray eye in the sky. तो आपको मालूम ही है कि जनवरी 1 को इसरो ने एक्सरे पोलैरिमेट्री ये जो मिशन है हमारा लॉन्च कर दिया और एस्ट्रोनॉमिकल मिशन है ये आपका यूनिवर्स को पढ़ने के लिए जा रहा है आदित्य L1 के बाद। तो बिमन नाथ जी क्या बोल रहे हैं कि इसरोज न्यू ऑब्जर्वेटरी पेलोड will help astronomers understand the nature of pulsars and black holes. ये इसका मेन काम है कि ये जो नया पेलोड आपने भेजा है ये astronomers को मदद करेगा pulsars के नेचर को पढ़ने के लिए और ब्लैक होल्स के नेचर को जानने के लिए। pulsars आपको पता है जो हमारे सो कॉल्ड लाइट बहुत ज्यादा जो निकल रही होती है हमारे डीकेइंग स्टार्स में से, या यूं कह लीजिए कई बार जब न्यूट्रॉन स्टार्स आपके जब मर्ज करते हैं कुछ भी ऐसा, जैसे हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में कि गामा रे बर्स्ट बोला गया इस टॉपिक को। तो चलिए जरा देखते हैं। द न्यू ईयर फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स केम विद रियल फायरवर्क्स एज द वर्ल्ड वोक अप टू द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ 2024। इसरोज लॉन्च व्हीकल पुट इनटू ऑर्बिट अ न्यू एक्सरे पेलोड, एक्सपोसैट बोला गया, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। इफ ऑल गोज वेल द इंस्ट्रूमेंट टोटली इंडिजीनियस इन डिजाइन एंड फैब्रिकेशन विल हेराल्ड येट अनदर माइलस्टोन फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। फॉर द पास्ट 15 ईयर्स the main instrument aboard the payload, that is the Pollux, which was Indian X-ray polarimeter, has been built at the Raman Research Institute, Bangalore. So measuring roughly half a meter in all dimensions and weighing almost 200 kilograms, it is not large as typical astronomical detectors in space go. But its size belies the unique capabilities of the new apparatus, which aims to study a special property of X-rays in space. कि साइज छोटा है पर कहते हैं उस पर मत जाइए, छोटे साइज के होने के बावजूद एक बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी है इसमें कि ये एक्सरे की स्पेशल प्रॉपर्टी को पढ़ेगा। एक्सरेज जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट होती हैं आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है ये। Well, these are generated by movements of electric charges when the electric and magnetic fields in its vicinity are disturbed. जब ये हिलते हैं कुछ भी ऐसा movement होता है, जैसे कल हमने गामा रे बर्स्ट के केसेस में देखा था कि जब हमारे highly charged particles हमारे magnetic field के साथ indulge करते हैं तो वहां के जो ions हैं वो ions आपके बहुत ज्यादा ionize हो जाते हैं, ये वहां के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी में आ जाते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं, वहां निकलता है ये एक्सरेज आपका। तो वही उन्होंने लिखा है कि कैसे बनते हैं, दीज आर जनरेटेड बाय मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उसके विसिनिटी में डिस्टर्ब होते हैं उसके इंटरेक्शन के बाद। एंड जस्ट एज मॉलिक्यूल्स बॉब अप एंड डाउन इन वॉटर वेव्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स चेंजिंग एज एक्सरे मूव्स इन स्पेस। The direction of its variation depends on the motion of the electric charge responsible for the wave. For an up-down motion of the charge, for example, the electric field in X-ray waves also fluctuates vertically. And it happens in the case of ordinary light as well, but the light we see from a bulb comes from the random motion of molecules. The direction of the variation is consequently mixed up in this case. जबकि ऊपर आप एक्सरे के केसेस में जो देख रहे थे वो जो मोशन है वो बहुत ज्यादा एक वर्टिकल पैटर्न में है या एक लीनियर डायरेक्शन में है। तो लिखा है उन्होंने कि डिट्टो फॉर सनलाइट, वहां पे भी ऐसा ही होता है, बट समटाइम्स दीज वेरिएशन एक्वायर डायरेक्शनैलिटी एंड वी डिस्क्राइब द लाइट एज पोलराइज्ड। होता है ना कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत दूर से अगर आपके पास कहीं से लाइट आ रही है और अगर बीच में उसमें कोई एज सच कोई डिवाइस आ गया या कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया, अगर स्पेस के बारे में बात करें तो कोई हेवनली बॉडी बीच में आ गई, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये कहीं और से आ रही है, जो हमने सो कॉल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा था, DCS में हमने ये बातें पढ़ी थी। पर उन्होंने कहा है कि कई बार ये जो मिक्स्ड अप वेरिएशंस हैं इन्हें डायरेक्शनैलिटी मिल जाती है और ऐसे में हम लाइट को जो है पोलराइज्ड कह देते हैं फिर, और हमारा जो मिशन है
आप देखो वो मिशन का तो नाम ही यही है, एक्सरे पोलैरिमेट्री या एक्सरे पोलैरिमीटर। तो हम क्या करते हैं, वी यूज पोलराइज्ड सन ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल इन ब्राइट सनलाइट, एंड इट्स स्पेशल मटेरियल अलाउज ओनली वर्टिकली ऑल्टरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड हेल्प्स टू डिक्रीज द ग्लेयर फ्रॉम ग्राउंड रिफ्लेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ मोस्टली हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। यही होता है हमारे सो कॉल्ड सन ग्लासेस में। सो रिफ्लेक्शन पोलराइजेस द रैंडमली वेयरिंग सनलाइट इनटू अ सिंगल डायरेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स आल्सो हैज अ सिमिलर इफेक्ट। वो भी उसको एक सीधे डायरेक्शन में डालते हैं। व्हेन द सन पीक्स अबव द होराइजन दीज स्कैटरिंग्स ग्रेस द स्काई विद हाईली पोलराइज्ड लाइट। सो इट इज नो वंडर दैट फोटोग्राफर्स रूटीनली यूज पोलराइजर्स फॉर पिक्चर्स इन्वॉल्विंग द स्काई। आपने देखा भी होगा कई सारी ऐसी तस्वीरों में वेयर बेसिकली द लाइट कमिंग इन अ वेरी लीनियर डायरेक्शन, बड़ी सीधी सीधी लाइट जो है वो दिखाते हैं, जबकि सनलाइट आपको पता है वो तो अपने अलग हिसाब से स्कैटर हो जाती, पर हवा में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल्स उस लाइट को इस कदर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो उसको पोलराइज्ड बना देते हैं। और उन्होंने बोला कि फोटोग्राफर्स अक्सर ऐसे पोलराइजर्स को यूज करते हैं एटमोस्फियर में लाइट की फोटो खींचने के लिए। यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड सम फोटोग्राफ्स। ऑल्दो स्टार्स लाइक द सन मोस्टली एमिट अनपोलराइज्ड लाइट, इट इज नॉट द केस विद सम पेक्यूलियर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जैसे कि देयर एग्जिस्ट स्टार्स विद स्टूपेंडस मैग्नेटिक फील्ड्स समटाइम्स 1,000 billion टाइम्स ऑफ व्हाट वी इनकाउंटर ऑन द अर्थ। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि अगर कई ऐसे स्टार्स हैं जहां पे आपके पास बहुत बेहतरीन मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनकी, तो अब आप समझ सकते हो कि उन स्टार से निकलने वाली वो सो कॉल्ड चार्ज्ड पार्टिकल जब अपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन में आती होगी तो वो पोलराइज्ड बन जाती होगी। ये वो कहना चाह रहे। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन दोज ऑब्जेक्ट्स स्पाइरल अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एमिट एक्स रेज। एमिट इसलिए क्योंकि इंटरेक्शन के बाद जब एक्सरे बनती है, जो कि आपने पीछे देखा, देयर गायरेटिंग मोशन एंडाउज द एक्सरेज विद सम डायरेक्शनैलिटी आ जाती है। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोस्टली अलाइंड इन सम डायरेक्शन, देन द इलेक्ट्रॉन्स वुड ट्वर्ल इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड दिस वुड मेक द रिजल्टिंग एक्सरेज पोलराइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। सो क्लियरली measuring the polarization of x-rays would then enable astronomers to gauge the directions of magnetic fields in these objects। और आज की रेट में आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा स्टडी इन चीजों की करते हैं कि लाइट जो हमने रिकॉर्ड की वो कहाँ से आई, वो यूनिवर्स में हमसे कितने लाइट ईयर्स दूर है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, उस ब्लैक होल के अंदर अगर लाइट वहां से निकली तो क्या वो दो ब्लैक होल्स के छोटे ब्लैक होल्स का कोलिजन हुआ है या एक बड़ा स्टार डीके हुआ है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो ये बातें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं थैंक्स टू दिस एक्सरे पोलैरिमेट्री। पल्सर्स जैसे कि कुछ ऐसे ही एग्जॉटिक स्टार्स के एग्जाम्पल हैं। आप जानते हैं टिपिकली द साइज ऑफ ए सिटी दे कैन पैक एज मच मास एज द सन। Pulsars often shine in X-rays and can also boast of whooping magnetic fields. Then there are regions around black holes where matter spirals inward in the shape of a disk before finally falling prey to the monster. जानते हो आप singularity in the so-called जो disk हमारी बन जाती है वो एक horizon की तरह बन जाता है हमारे पास। The immensely hot gas emits X-rays which although unpolarized like starlight acquires polarization after reflection and scattering from the gas in the disk just as sunlight becomes polarized after reflection on the ground. बिल्कुल वैसा सा। And if only one could examine the polarization of celestial X-rays, जो कि अब हम करेंगे, the nature of these objects would be clearer to astronomers, जो आज से पहले पता नहीं थे। This is precisely what Pollux is designed to probe. यही है उसका मेन काम।
बट इट इज इजियर सेड देन डन भाई कहते. इट इज डिफिकल्ट इनफ टू कलेक्ट एक्सरेज फ्रॉम स्पेस. पहला इसलिए क्योंकि देयर हाई एनर्जी मेक्स इट इम्पॉसिबल टू फोकस विद लेंसेज लाइक ऑर्डिनरी लाइट. एंड दूसरा इसलिए बिकॉज द अर्थ्स एटमोस्फियर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ इट. हमारे भी तो धरती के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सरेज आपकी स्पेस से आती हमारी वहां पे इंडल्ज कर जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो हमारे पास वो आती कम है, पहुंच कम पाती. तो ऐसे में मेजरिंग द पोलराइजेशन ऑफ अबंडेंट लाइट इज वन थिंग एंड द केस ऑफ फीबल रेडिएशन लाइक कॉस्मिक एक्सरेज इज समथिंग एल्स टुगेदर. आप कहोगे जी फिर तो सनलाइट के केसेस में भी यही होना चाहिए कि वो हमारे पास कम पहुंचती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड उसको कितना ज्यादा जो है वो इधर उधर स्कैटर कर सकते होंगे. यही तो बोल रहे हैं कि वो लाइट अबंडेंस में है, उसको मेजर करना एक चीज है. जो पहले ही कहते बहुत कम रेडिएशन हमें दिखाई दे रही है कहीं से, जो बहुत कम हमारे पास आ रही है और वो और भी ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, वो काम करना बिल्कुल अलग बात है. There have been attempts with balloon-borne and short-lived instruments in the past. It was only in December 2021 that the first such instrument, that was IXPE, was launched into space by NASA. The NASA instrument contains gas whose atoms are stripped of electrons after interacting with incoming X-ray. Why? In order to make them polarimeter. So upon scrutiny, the direction of motion of these ejected electrons gives clues to the X-ray polarization. So RRI's Biswajit Paul, however, had a rather unique design in mind. Hailing from North Bengal, he had worked in the 1990s for his PhD at the Tata Institute of Fundamental Research at Mumbai, where he eventually became a member of its X-ray research group. So, the Tata Institute X-ray group has zealously cultivated X-ray astronomy for decades, having built several instruments for space X-ray astronomy and no doubt inspired Biswajit to think big and think differently. And with Pollux now finally up in space, his passion for building something new has finally paid off. He has also been fortunate in being ably assisted by a dedicated group of scientists and being given a free hand by Raman Research Institute in forging the new device. And this explains the India's innovation capabilities ki kaise hamare yahan ke jo aaj ke scientists hain unko ek research atmosphere aisa diya jata hai that they can think and they can make something new. Pollux जो हमारा पेलोड है वो कहते हैं क्यूबिकल सिलेंडर की तरह है. एट इट्स कोर लाइज अ डिस्क ऑफ बेरिलियम. डिटेक्टर्स केप्ट अलोंग द वॉल्स कलेक्ट एक्सरेज आफ्टर देयर स्कैटरिंग फ्रॉम द मेटालिक डिस्क. कि जब वो जो नीचे आपने डिस्क लगाई है वहां से स्कैटर होने के बाद जो कहते हैं डिटेक्टर्स आपने दीवारों पर लगाए हैं उस क्यूबिकल सिलेंडर के, वो उन सो कॉल्ड पोलराइज एक्सरेज को कलेक्ट करेंगे. The scheme works on the principle of polarization after scattering. वही बात. The lighter the scatterer atoms, the better the signal. Lithium would have been better than beryllium, but lithium is difficult to handle, so one had to settle for beryllium. जो disk को आपने use की है, that metallic disk, जो polarize करेगी उन so-called X-rays को. So if the electric field in the X-ray varies in the north-south direction, for example, then the detectors stored in the east-west directions would receive a signal, just like sunlight from the horizon becomes polarized in the overhead direction after scattering in the atmosphere. तो ये बिल्कुल वैसा है कि अगर चारों तरफ वो scatter हो भी गया कहीं ना कहीं, तो वो जो east और west में हमने वो लगाए हैं, वो उसको हमारे लिए north to south कर देंगे ऐसा. जैसे हमारे एटमोस्फियर में होता है सनलाइट के केसेस में. द अदर इंस्ट्रूमेंट जो एक और हमने लगाया है अबोर्ड एक्सपोसैट विल स्टडी टाइमिंग एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. इंटेंसिटी कितनी दूर है और आप तक पहुंचते पहुंचते वो कितनी वेरी कर रही है, ये भी लगा हुआ है. सो इंसिडेंटली Pollux's beryllium disk will let astronomers probe lower energy X-rays than what the NASA instrument is capable of.
The Indian mission will complement NASA's device, and the information gathered by these two instruments together will help astronomers to decipher the nature of pulsars and black holes. All eyes are now set towards ExpoSat, waiting for it to start scanning the cosmos. This is what we have, a brilliant article explaining how the polarization is done, how the X-ray polarimetry is done, and what exactly the ExpoSat as the X-ray eye in the sky will do for us and for the world as well. It's a beautiful article we have, and definitely ISRO is heading towards new milestones with this second astronomical mission after Aditya L1.